दोस्तों ये देखिए रात के 10 बजे क्या हो रहा है। कल सुबह इसके लिए सैंडविच बनाने थे तो इसको ना रात में शौक लग गया कि अभी सैंडविच बनाते हैं, तो अभी बन गए हैं। और बेटा ये हो गया है हीट बहुत ज़्यादा, इसको बंद करो यहाँ से। ये देखो, लो तुम ये करो, मैं करती हूँ। मैं इसमें दो ब्रेड रखने हैं ऊपर से हमको, ऐसे ऐसे थोड़ा सा उसमें हमें बटर डालना है। हाथ क्यों लगा रही हूँ, कहाँ गया? नहीं, ये तो अब जब बन ही रहा है तो मैं भी खाऊंगी, एक इसके लिए और एक मेरे लिए, हम दोनों के सैंडविच। टेस्टी टेस्टी। बाकी सुबह ले जाए, बाकी दक्ष जो है ना सुबह लेके जाएगा लंच में, टिफिन में मतलब। टेस्टी टेस्टी सैंडविच। अब इसको, अभी जो इसका वाला है वो तो मिक्सचर वाला बनाऊंगी मैं। मिक्सचर क्यों नहीं रखा अभी? ये स्लाइस काट के बंद ना, मिक्सचर वाला अच्छे से बंद नहीं हुआ, साइड से देखो। नहीं नहीं, वो ऊंचा हो रखा है ना क्योंकि वो है। अच्छा हाँ, तो बस अब 2 मिनट में हमारा सैंडविच बन जाएगा। ई कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा रह गया है और बनने के लिए थोड़ी देर और लगेगी। मम्मी सैंडविच निकाल लिया, बन चुका है सैंडविच ये। वाओ, वेरी डेंजरस। इतना इजी हो गया ना इसमें सैंडविच बनाना, हमने आज तक इसका यूज ही नहीं करा है ना। हाँ, हमारे पास इतने सालों से ये पड़ा था और हमने इसका यूज ही नहीं करा आज तक। पूरी चीज मेल्ट होके बाहर तक आ गई और आसानी से, पता है इसमें से सब ये चिपक रहा है ना, ये आसानी से निकल जाता है इसमें। ये देखो, चलिए खाते हैं और एंजॉय करते हैं ही। तो ग्रिल चीज सैंडविच हमारा रेडी है, हम लोग खाएंगे आराम से बैठ के, मूवी देखते देखते फिर सो जाएंगे। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दक्षा की, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय चैनल। सब हो गई मस्त, नादो के रेडी हो गया हूँ स्कूल जाने के लिए। बाल अभी गीले हल्के हल्के यहाँ पर आगे अभी टोपी नहीं पहन के अभी, और तुमने टीका नहीं लगाया ना आज। और आज मम्मी ने सैंडविच भेजा है और खाते भी जा रहे हैं। हाँ, रेत की चुड़ैल भेजी है मम्मी ने। इसी को रेत की चुड़ैल, रेत का मतलब सैंड, चुड़ैल का मतलब विच, सैंडविच ऐसा ही बोलना आता है। ले टोपी को पहनेगा थोड़ी देर में, चलो फिर मस्त करके स्कूल जाता हूँ और वहाँ पर दोस्त भी मिलेंगे। लड्डू रखे हैं खा लेना। हाँ, और क्या क्या रखे हैं? सैंडविच, लड्डू और फ्रूट्स। कुछ नहीं, फ्रूट्स नहीं रखे। आंटी बुला, आंटी दोस्त। फिर अब तो चलता हूँ मैं स्कूल, फिर वहाँ से आके आपको मिलूँगा। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सब कुशल होंगे, हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है किचन में, बना रही हूँ चाय। वहाँ पर चाय रखी हुई है, नहा लिया है, पूजा कर ली है भगवान जी की और घर के सारे काम भी कर लिए हैं। और साथ में अपने लिए बनाऊंगी एक सैंडविच, जो मैंने सुबह दक्ष के लिए आज ब्रेकफास्ट में सैंडविच भेजे हैं, ग्रिल सैंडविच। उसमें से मैंने एक ये ब्रेड वाला करके रखा था, मुझे लगा शायद वो खाते समय ज़्यादा खा के जाएगा, 2 खा के जाएगा, बट उसने खाया नहीं। तो इसको मैं अपने लिए ग्रिल कर लेती हूँ और साथ में पीती हूँ चाय। काम करके नहा के छत में पूजा करके, मतलब भगवान जी की पूजा करके छत में चले गई थी काफ़ी देर तक, थोड़े से बाल वाल सुखाए, कल मेहंदी लगाई थी ना, हेयर वॉश किया था, तो मैंने कहा ठंडा लगेगा ज़्यादा अच्छे से, तो अभी सूखे नहीं। बट मैं नीचे आ गई क्योंकि मुझे कर रहा था चाय पीने का मन, तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय जो है चढ़ा दी है, चाय भी बनती है, साथ साथ में सैंडविच भी ग्रिल कर लेती हूँ और आराम से बैठ के खाती हूँ। और अब चलेगा वेकेशन दक्ष का, छुट्टी का टाइम, तो मुझे इतना फ्री महसूस हो रहा है क्या बताऊँ, कि बस अब छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। ज़्यादा नहीं पड़ती दक्ष की, थोड़ा बहुत पड़ती है, बट जितनी भी है सुकून तो मिलेगा। और सर्दियों में तो फिर भी ईजी रहता है बच्चों को स्कूल भेजना, सुबह एक ठंडा लगता है, उसके अलावा ना नींद पूरी हो जाती है, रातें बड़ी होती हैं। हम लोग 9:30-10 बजे सोते हैं ना, तो सुबह आराम से हमारी 6:45 बजे तक हमारी नींद जो है ना, मेरी नींद पूरी हो जाती है आराम से, बहुत ही बढ़िया लगता है। अदरवाइज गर्मियों में ऐसा होता है, एक तो स्कूल भी जल्दी का होता है, उठना भी सुबह 4:30-4:45-4 बजे ऐसे उठना होता है ना, इतनी नींद आती है कि बच्चा जाए तो उसके बाद मैं तुरंत सो जाऊं, बहुत ज्यादा नींद आती है। और गर्मियों में फिर सोया भी नहीं जाता गर्मी की वजह से,
सर्दियों में थोड़ा इजी रहता है, ठंडा लगता है, बट ठीक है। और आजकल तो इतना ठंडा हो भी नहीं रहा है। तो फिलहाल अभी हम आगे को बढ़ते हैं और चाय पीते हैं, चाय पीने के साथ सैंडविच खाते हैं, टेस्टी टेस्टी सा। जो ये वाला सैंडविच है इसमें तो देखिए चीज स्लाइस डला हुआ है, दक्ष के लिए मैंने करा था क्योंकि बट अब मुझे खाना पड़ा। अपने लिए मैं चीज स्लाइस नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ क्या कहते हैं सब्जियाँ और मेयोनीज और चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डालती हूँ और ऐसे बनाऊंगी। ये प्री हीट के लिए मैंने इसको रख दिया है, होने वाला है बाकी। और बटर भी थोड़ा सा ही लगाऊंगी। अगर ये मिक्सचर भी नहीं बचा होता ना तो मैं बहुत ही कम मेयोनीज डालती हूँ। मेयोनीज के साथ मिक्स करा हुआ मिक्सचर बचा है तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, बट अभी है तो वेस्ट भी नहीं कर सकते ना, खाना ही पड़ेगा। तो इसको खाऊंगी मैं अपने लिए ऐसे ही वाला बना के, सिंपल सा बस। अब 2 मिनट में बन जाएगा, देखिए हो गया, हीट हो गया, अब रख देती हूँ। जी हमारा ग्रिल सैंडविच विद चीज एंड वन विदाउट चीज और विद कॉफी, कॉफी के अनुसार विद चाय, ज्यादा अंग्रेज बन रही थी मैं, विद चाय और रेडी है। तो इसको खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में वैसे भी ऐसी चीज खाने का बहुत ही ज्यादा अलग ही, एक अलग ही लेवल होता है। तो न्यूज ये है कि दाल यहाँ पे फ्राई करके रख दी है और चावल गैस में चढ़ा दिए हैं और बज रहा है 3। तो मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, अगर पानी आ रहा होगा तो मैं बाहर फूलों में पानी डाल दूंगी और तब तक दक्ष भी आ जाएगा। बट मैंने अभी अभी आंगन में भी सफाई करी तो आंगन में गीला हो रहा है, बट पहले चेक करती हूँ। अगर बाहर पानी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा सकती हूँ बाहर। अगर अंदर से ही पाइप लगाना पड़ेगा तो फिर सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो तब तक जो है चावल भी धीमे धीमे आंच में बन जाएंगे और मेरा बाहर का काम भी निपट जाएगा। और मेरे दांत में होने लग गया दर्द, पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों मेरे साथ होता ही रहता है, मुझे समझ भी नहीं आता। तो पहले बाहर वाले नल में जाके ना मैं एक बार पानी चेक करती हूँ कि पानी आ रहा है कि ना आ रहा। यूपी वाली लैंग्वेज है, यूपी में लोग ऐसे ही बोलते हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, खा रहा है कि ना खा रहा। देख तो आ तो रहा था वैसे, बट अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है देखती हूँ मैं एक बार चेक करके। रहा हमारा नल आ रहा है बट बहुत ही ज़्यादा धीरे आ रहा है, अभी तो बहुत धीरे, इससे काम नहीं चलेगा। पानी चाहिए तेज, तेज पानी नहीं आएगा तो ऐसा चलेगा काम, बट नहीं आ रहा, इससे नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं कल पानी डाल दूँगी, आज का कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आज ठीक हो रहा है बाहर पे। अंदर चलते हैं सीधे, चप्पल उठा के लेके आने पड़ते हैं, आंगन में गीला हो रहा है, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा नीचे। और मेरा बेटा ऐसे ही आ जाएगा उछल के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कीचड़ हो रहा है या क्या हो रहा है। मैं चली अंदर को, बैठे रहूंगी आराम से, वेब सीरीज देखूंगी। छत के गमलों में मैंने कल पानी डाला, अभी मैंने पता है क्या क्या किया, मैंने मंदिर में भी पोछा लगाया, सीढ़ियों में भी सफाई करी, बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ, दाल चावल बनाया, एक पार्सल आया था उसको भी रिटर्न किया, एक मूवी थी वो देख रही थी, वेब सीरीज सॉरी वो देख रही थी, उसके भी 2-3 एपिसोड देखे मैंने। तो दोबारा से उसी में लग जाती हूँ मैं अपने काम में। और आज शाम को भी वॉक करने जाएंगे शायद, देखते हैं, बट आज फ्रूट्स वगैरह भी लेके आने तो उसी के अकॉर्डिंग होगा काम हमारा। वेलकम होम मनु, यहीं पे खोलो जूते, खोलो यहीं पे खोलो, किचन अंदर पूरा, ये देखो अभी पूरा गीला हो रहा है, खोलो खोलो। कैसा गया आज का दिन? बढ़िया। सॉक्स भी खोल दो इसी में, वरना गीले हो जाएंगे। खाना खा लिया था? हाँ। कैसा लगा? कम तो नहीं हुआ सैंडविच? परफेक्ट बिल्कुल। अपने दोस्त को खिलाया किसी को? हाँ। किसको खिलाया? कार्तिक को खिलाया। किसको खिलाया? कार्तिक है। ये कौन है कार्तिक? नया? कार्तिक नया नहीं है, पुराना ही है, पिछले साल। अच्छा, अभी भी फिर भी सूखे सूखे में रख के आना है पैर। अच्छा, और किसको खिलाया? और बाकी आ गई है, बाकी आदमी है। अच्छा, ये रहा तुम्हारा, ये रहा फिर तुम्हारा। चलो कैसा हो रहा है, कह रहे थे तेरे दोस्त? बढ़िया है, उन्होंने बोला मेरी मम्मी ने घर में बनाया है। हाँ। क्या बोले? बढ़िया। कल तो पीटीएम छुट्टी। चलो इधर चलो, जूते रखो वहां, सूट पता नहीं, तू चार्ज में लगा के गया था, मैंने अभी जस्ट चार्ज से निकाला इसको, स्विच ऑन किया हुआ था क्या? पता नहीं, नहीं मैंने नहीं देखा, चार्ज ही नहीं है तेरा फोन। तूने मुझे बोला क्यों नहीं मम्मी है वो होगा तो इसको कर देना, तू लगा के चले गया था, मैंने छोड़ दिया, मैंने अभी अभी निकाला, स्विच ऑफ ही है। कोई बात नहीं, मेरे फोन में देखेंगे, ठीक है, फिर अभी चार्ज में लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे। और बढ़िया
चलो चेंज करो कपड़े फिर खाना, ठीक है? हाँ जी मित्रों, मैं निकल रही हूँ अपनी इवनिंग वॉक में। आज देखते हैं किधर को जाते हैं हम लोग। और आज दक्ष ट्यूशन नहीं गया, वो घर में ही है क्योंकि उसका कुछ काम था, उसको वो करना था, तो अपना काम कर रहा है। और फेस ऐसा क्यों दिख रहा है, अजीब सा, पता नहीं क्यों। हम लोग जा रहे हैं बाहर को, रजनी को बुलाती हूँ एक बार, वो कहाँ है, फिर निकलते हैं। रजनी आ जाओ, कहाँ हो, आओ। अभी हम लोग एक बहुत सुंदर छोटी सी गली में पहुँचे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर पेंट लगाए सब लोगों ने, बहुत ही सुंदर है। छोटी सी रोड है, छोटी सी गली है, बट बहुत अच्छी है। इतना प्यारा गुलाब का फूल है, आप लोगों को दिखा। इतना घूम के आए हम, पहुंचे लास्ट में इधर ही। ये देखो, ये इसका कलर कितना अच्छा है यार, ये इतना सुंदर गुलाब है ये। अभी हम लोग एक और कॉलोनी में पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, सुंदर नहीं दिख रहा है? बहुत ही सुंदर सुंदर कॉलोनी यार, हमको तो कुछ पता ही नहीं था इधर। हम लोग ऐसे ही घर में ही रहते थे, इतने साल से देखा ही नहीं। अभी भी कितना है देखने के लिए, कल आएंगे तो कल और नई जगह देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा आगे तक जाते हैं चौराहे तक, फ्रूट्स लेने हैं, फिर जाएंगे हम लोग घर। मम्मी तो खैर बाहर से आ गई और मेरे को मिली एक फ्रेंडली मक्खी। हाय करो, हाय हाय। मैं तो खैर ये मेरे को मंदिर में मिली ना, मैंने भी खाली इसके ऊपर हाथ रखा तो अपने मेरे हाथ के ऊपर चढ़ गई बिना उड़े। वक्त खैर मम्मी मिल ली, ये ला रखी है, क्या कहते हैं इसको, या इसको हनी चिली पटेटोस। अब तो खैर ये है मेरी मक्खी, इसके लिए भी घर बनाऊंगा। हाँ वो लाइट ऑन करता हूँ, मक्खी अभी भी हाथ में है। चाबी कहाँ है? अच्छा मैंने ड्रेसिंग सुना, दिखते अभी भी मक्खी मेरे साथ रहती नहीं रहती है। इसी हाथ से कैमरा, अरे गिर गई नीचे, आओ हाथ में वापस, हाथ में आओ, क्यों नहीं आ रही, आ गई। ये रही मक्खी, इसके साथ चलूँगा, ऐसे कैमरे से शर्मा रही है तभी। ठीक है, तो गाइस बताइएगा कमेंट में थी कि ये किस टाइप की मक्खी, कुछ करके नहीं रही है, ऐसी क्या है ये, इतनी ज़्यादा सीधी सादी। चलो अभी भी हाथ में लगी हुई है, लाइट बंद कर देता हूँ मंदिर की। कैमरा इस हाथ में पकड़ लिया, कुंडा लगा लिया, चाबी रही, एक हाथ में जाना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जाना भाग गया, कितनी मुश्किल से रेयर मक्खी मिली है। ये मक्खी को पहले आले हाथ में चढ़ाता हूँ, याले हाथ में है, याले हाथ में नहीं आ रही। बस यहाँ पर अपने आप को देखते रहना कैमरे में, बस अब अपने आप को देखते रहे। खैर फिलहाल इसको बंद करता हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है इसको बंद करना। हो गया आखिरकार बंद। हाँ चलो अब तो एक काम रह गया बस, कि यहाँ पर से चाची कपड़े उठा देना है और मक्खी को भी, तब तो मैं यहाँ रख के जाता हूँ नीचे।
अरे उल्टी लेट गई, तो उल्टी लेट गई। हाँ यही ले रहा, कहीं मत जाना, मैं जस्ट आ रहा हूँ, पिचकाऊंगा नहीं। तो ठीक खड़ी हो गई, तो यही लेना भाग रहा है। चलो मैं तो खैर यहाँ पर अपने कपड़े ले लेता हूँ, यहाँ पर उसके नीचे चलूँगा मक्खी को लेकर।